हिमाचल प्रदेश के चंबा को आकांक्षी जिलों की श्रेणी से बाहर लाने के प्रयास लगातार जारी है। विकास के पथ पर लाने के लिए चंबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में नकदी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। चंबा जिला प्रशासन ने वर्ष 2021 में हिमालयी जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के साथ एक MOU हस्ताक्षरित किया था, जिसका उद्देश्य जिला में नई नकदी फसलों का उत्पादन करना और किसानों को इसके साथ जोड़कर उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करना था। चंबा के उपायुक्त दुनीचंद राणा ने बताया कि इसी दिशा में जिला के कई क्षेत्रों में जंगली गेंदा, हींग, केसर और लेवेंडर जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, चंबा एक एस्पिरेशनल जिला है और नीति आयोग का जो कार्यक्रम एस्पिरेशनल जिलों में चल रहा है, जिसमें 112 जिले हैं और चंबा उसमें से एक है, और इसके दृष्टिगत हमने एक फरवरी 2021 में CSIR इंस्टीट्यूट है पालमपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी, उसके साथ एक MOU साइन किया था। और उस MOU का मकसद ये था कि हम जिले में नई कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करें और उन कैश क्रॉप्स को किसानों के साथ जो है उनके बीच में लेके जाएं, ताकि लोगों की आर्थिकी में सुधार हो। और इसमें बहुत सारी कैश क्रॉप, जिसमें जो जंगली गेंदा है, मैरीगोल्ड है, वो एक कैश क्रॉप थी। हींग एक और जो प्रोडक्ट था उसको इंट्रोड्यूस करने की बात हुई। देन सैफरन है, लेवेंडर है, और इस तरह के बहुत सारे और एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स थी, जिनके बारे में हमने उस MOU में जिक्र किया था। और MOU के हिसाब से CSIR IHPT इंस्टीट्यूट जो है हमें टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करेगा, साथ में प्लांटिंग मटेरियल देगा, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। उपायुक्त ने बताया कि चंबा के भटियात क्षेत्र में 33 हेक्टेयर भूमि पर सफेद गेंदे का उत्पादन किया गया है और इस बार यहां से 765 लीटर तेल निकाला गया है, जो कि बाजार में काफी महंगे दामों में बिकता है। मैरीगोल्ड में लगभग 33 हेक्टेयर एरिया, जिसमें अधिकतर हमारा भटियात है, स्टोनी एरिया कुछ है, वहाँ पे वाइल्ड मैरीगोल्ड की जो है कल्टीवेशन हो रही है, और पिछले जो हमारा क्रॉपिंग सीजन था उसमें लगभग 765 लीटर के करीब तेल जो है जनरेट हुआ। और इस जो तेल है ये मार्केट में 7000 से 10000 पर लीटर के हिसाब से बिकता है, और वो परचेज जो है इंडस्ट्री जो है वो किसानों के साथ डायरेक्टली चंबा में आके कर रही है, तो ये बहुत एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। निश्चित रूप से नीति आयोग द्वारा चलाए गए विकास कार्यक्रमों के तहत आकांक्षी जिला चंबा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। DD News के लिए चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट।